में ये बताया कि हमारे पास 35 लाख करोड़ या पता नहीं इससे भी ज्यादा का हमारे पास निवेश आया है। अगर पूरे के पूरे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सब कुछ निछावर कर दे तब भी ये निवेश पॉसिबल नहीं है। अध्यक्ष जी, आज पहली बार इस तरीके की चर्चा को मैंने सुना और माननीय मंत्री जी की जो बातें मैं सुन रही थी उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी और ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से 2023 का इन्वेस्टर समिट मीट का जिस तरीके से सुंदरीकरण किया गया और लोगों को दिखाया गया और इतना बड़ा बजट जो था वो सबके सामने आया, तो मंत्री जी अवश्य ही उसके बारे में थोड़ा विस्तार में लोगों को बताएंगे। लेकिन बहुत ही निराशा हुई क्योंकि उनकी पूरी स्पीच में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विभाग को छोड़ करके नेता प्रतिपक्ष जी की तारीफों में ही बता दिया और कई सारे महत्वपूर्ण बातें थी शायद जो उन्हें करनी चाहिए थी लेकिन उसे छोड़ करके सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में बातें की। अध्यक्ष जी, इस बार जो 2023 का इन्वेस्टर समिट मीट है उसमें कम से कम 33 से 35 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। जब इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद जो बेसिक उसका ढांचा है या धरातल को हम कई बार भूल जाते हैं। अध्यक्ष जी, भारत के जो टॉप 10 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनके हम नेटवर्क की बात करें कि उनके पास टोटल कितना नेटवर्क है, तो मुकेश अंबानी के पास 7.2 लाख करोड़ है, गौतम अडानी के पास 7.2 लाख करोड़ है, शिव नादर के पास 2.2 लाख करोड़ है, साइरस पूनावाले के पास 1.8 लाख करोड़ है, राधा किशन दमानी के पास 1.6 लाख करोड़ है, लक्ष्मी मित्तल के पास 1.4 लाख करोड़ है, कुमार बिरला के पास 3.5 लाख करोड़ है और दिलीप शांघवी के पास 1.2 लाख करोड़ है। अगर पलोनी मिस्त्री के पास बात करें तो 1.2 लाख करोड़ है और उदय कोटक के पास 1.1 लाख करोड़ है। भारत की अगर हम टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को भी जोड़ लें तो उनकी पूरी की पूरी नेटवर्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 28 से 30 लाख करोड़ में सीमित हो जाती है और आपने अपने इन्वेस्टर समिट मीट में ये बताया कि हमारे पास 35 लाख करोड़ या पता नहीं इससे भी ज्यादा का हमारे पास निवेश आया है। अगर पूरे के पूरे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सब कुछ निछावर कर दे तब भी ये निवेश पॉसिबल नहीं है। तो ये निवेश क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश में आया है? और कोई प्रदेश इंडिया में नहीं है जहां पे निवेश हुआ है? अध्यक्ष जी, ये तो एक तरीके का बहुत बड़ा मजाक है जो हो रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मंत्री जी ने 2018 में भी 4.5 लाख करोड़ का जो निवेश आया था उसकी भी बहुत सारी चीजें थी, हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे शायद उसका भी कुछ विवरण हमें मिलेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसका शायद विवरण मंत्री जी के भी पास नहीं है क्योंकि धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। आज सरकार बात करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें करती है। 4.5 लाख करोड़ का जो आपका निवेश हुआ 2018 में, अगर 5 वर्षों में देखा जाए तो उसका 50% का भी सरकार हमें ब्यौरा नहीं दिखा सकती है कि उन्होंने 5 सालों में उससे क्या चीजें करी हुई है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। पहले तो हम नोएडा में और उसके आसपास में जो भी हमारे बिजनेसमैन, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्रीज को डालने आते हैं उनको कहते हैं कि हम आपको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको जमीन देंगे। उसके बाद वो व्यक्ति वहां पे आता है, धीरे धीरे आप क्या करते हैं उस जमीन को बिडिंग पे लगा देते हैं और उसकी बिडिंग का दाम बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाता है कि 60,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की वो जमीन हो जाती है और इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा अपने रास्ते अपने घर भाग जाता है। इस तरीके से क्या कोई ईज ऑफ बिजनेस है? ये किस तरीके की सहूलियत आप दे रहे हैं? 2018 में जो आपका इन्वेस्टर समिट मीट हुआ उसमें आपने जनता को बड़े सुनहरे सपने दिखाए और आपने बताया कि जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उन सब एक्सप्रेसवेज के पास हम जमीन का आवंटन करेंगे और वहां कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाएंगे। आज किसी भी एक्सप्रेसवे के पास एक भी इंडस्ट्री अगर आपने खड़ी की हो तो प्लीज उसका विवरण आज आप जरूर दें यहां पे। बात हुई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की। उन्होंने कहा कि हम डिफेंस में जो बाहर के देशों से खरीदते हैं उस अपने पैसे को हम बचाएंगे और अपने ही देश में हम उस चीज को बनाएंगे। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट होते हुए डिफेंस कॉरिडोर शुरू होगा। आज हम देखते हैं और हम ढूंढते हैं कि वो डिफेंस कॉरिडोर है कहां। मैं इस साइड को छोड़ के सामने से भी पूछती हूँ, क्या आपको डिफेंस कॉरिडोर कहीं पे दिखाई दिया? अगर दिखाई दिया हो तो प्लीज मुझे भी बताइएगा। नहीं, नहीं।
जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, उन्हें बोलते हैं कि हम आपको कम दाम पे बिजली देंगे, और लेकिन जब वो अपना काम शुरू करते हैं तो आपके बिजलियों के दाम तो दूसरे प्रदेशों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं। क्या इसको हम ईज ऑफ बिजनेस कहते हैं? आप लोग बात करते हैं इतने बड़े बड़े निवेशों की। मैं बोलना चाहूंगी कि समाजवादी सरकार जो थी उसने जो काम किया वो कम से कम धरातल पे दिखता है। हमने दिया इकाना स्टेडियम, हमने उसके सामने दिया पलाजियो, हमने आपके मुख्यमंत्री जी जिसमें बैठते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी जिसमें बैठते हैं वो लोक निर्माण की इमारत को दिया। हमने वर्ल्ड क्लास और मुझे लगता है कि पूरे देश में सबसे सुंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर है वो हमने दिया, जो मेट्रो आज रन कर रही है वो हमने दिया, जनेश्वर मिश्र पार्क हमने दिया, गोरखपुर में एम्स हमने दिया, मेदांता हॉस्पिटल दिया। आपसे अनुरोध है कि मैं एक डॉक्टर हूं, आपसे अनुरोध करती हूं कि आपका अगर इतना बड़ा निवेश आया है तो लखनऊ में सिर्फ और सिर्फ एक जो है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है मेदांता, कृपया करके कम से कम दो हॉस्पिटल्स और लाने की प्लीज आप, ये मेरी गुजारिश है आपसे, और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।